Jee Assalam everyone, I hope you all are doing great. So guys, everyone, we left learning on the experimental techniques, right? And I hope you now know how, I mean, what are the experimental techniques. If you have a mixture or aapne usme se kuch I mean just jo aapke substances hai unko separate karna hai, how to do that. One, it's what we learned, right? We learned about the apparatus construction, we learned about the gases, right? एक दो और बातें करते हैं और एक आध एक्सपेरिमेंट मुझे आपसे भी यहाँ पे डिजाइन करना और फिर अ क्वेश्चन यू विल डू फॉर मी व्हिच इज योर आई मीन सीआई क्वेश्चन. ओके, सो आई हैव टू ओपन माय व्हाइट बोर्ड नाउ. तो मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा. सर आप कह रहे हैं माइक. ओके, सो बेसिकली मैंने ऑप्शन इसलिए दी होती है माइक ओपन करने की, राइट, सो दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. एंड सेकेंडली you can always do yourself as well as an option, and third, it is what I have to teach you all as well, that I mean how to behave nicely as well at the same time. So guys, I hope you all can see my whiteboard now. Let me get my stylus. Okay, so now listen to my words please very carefully. Aur ek aapne mera bhi ye question bhi karna hai, that how we ask you in the paper as well. Okay, so there we go guys, that is experimental techniques. I hope you all can see it. Acha, last time jo hum pad rahe the basically how to collect a gas, to maine wo ek reaction karaya tha, I mean acid based reaction, jahan pe humne hydrogen gas ki collection bhi ki thi. Ek aur maine aapse basically reaction karwana hai, just to tell you that how this gas collection happens. Lekin I'm telling you, aage chapter aa raha hai acids versus salts, phir chapter aayega aage rate of reaction, phir aayega, there is one more chapter, that is nonmetals and metals. Ye teen chapters are very important jin ke upar we ask you for the experimental design. Abhi I'm giving you know how. जब ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो अगेन विल बी डिस्कसिंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स. ओके, नाउ
सपोज करें एक रिएक्शन है, दैट इज ये मेटल नाइट्रेट है, इट इज कैल्शियम नाइट्रेट सॉलिड, डीकम्पोजेस एंड इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस. रिएक्शन आपके सिलेबस में है, हम आगे पढ़ेंगे इन द मेटल्स चैप्टर. ठीक, अभी जरा इसको लिंक करते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के साथ. सो बेसिकली यू हैव कैल्शियम नाइट्रेट, इट एक्चुअली डीकम्पोजेस एंड गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस. सपोज करें दैट आई आस्क यू इन द पेपर के कलेक्ट प्योर ड्राई सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो हमने अपरेटस कंस्ट्रक्शन करनी है, अपरेटस हमने अपरेटस बनाना है और अपरेटस अलाउ करे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करना. तो इसलिए स्टे प्लीज वेरी फोकस्ड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो यू हैव टू लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली. मैं फिर कह रहा हूं आगे चैप्टर्स आएंगे जहां पे हम ये रिएक्शंस को पढ़ेंगे इन डिटेल और फिर एक और मरतबा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे. लेकिन यहां पे यू नो इन द इनिशियल चैप्टर्स आई ऑलवेज टेल यू अब व्हाई, बिकॉज आई एम एक्चुअली टीचिंग यू द होल सिलेबस एज अ होल. ओके ना गाइस, अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट को डीकम्पोज करना है तो इट इज डन इन अ बॉइलिंग ट्यूब, इट इज लाइक अ टेस्ट ट्यूब. हम इसमें रखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट, और हम इसको यहां पे हीट करेंगे एंड वील हीट इट, हम इसको फ्लेम देंगे. यहां से डिलीवरी ट्यूब निकलेगी, इसको आप स्टॉपर कर दें. अब जारी बात है, जब आप कैल्शियम नाइट्रेट को डीकम्पोज करेंगे तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा वो तो अंदर ही रह जाएगा, राइट, वो तो यहीं पे रह जाएगा. अब कैल्शियम ऑक्साइड तो यहीं पे रह जाएगा ना. यहां से बेसिकली गैसेस बाहर जाएंगी एंड द गैस जो बाहर जाएगी वो NO2 भी होगी और वो O2 भी होगी. नाउ प्लीज रिकॉल रिकॉल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ सॉल्युबल गैस, ऑक्सीजन गैस इज न्यूट्रल, याद रखना, ऑक्सीजन गैस इज इनसॉल्युबल, राइट, ये बातें नहीं हम भूल सकते. अब बेसिकली मुझे यहां पे व्हाट यू हैव टू रियलाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल IGCSE दैट आपके पास यहां पे मिक्सचर आ रहा है गैसेस का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और आपने यहां से NO2 रिमूव करनी है. तो इस तरह करते हैं, इस गैस से मिक्सचर को पानी से गुजार देते हैं. लेट्स एक्चुअली सबमर्ज द डिलीवरी ट्यूब, लेट्स पुट वाटर हियर. बेशक आप बेस डाल दें, अगर आप बेस डालेंगे तो ये गैस ऐसे रहेगा तो उससे भी रिएक्ट कर जाएगी. आप वाटर भी डाल दें क्योंकि सॉल्युबल गैस है. सबमर्ज्ड डिलीवरी ट्यूब यहां से निकलेगी, अब इसके अंदर ऑक्सीजन लेकेंगे, मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस होगी क्योंकि आपने वाटर के ऊपर सिलेक्ट किया. इसको आप स्टॉपर कर लें. अब आपने ऑक्सीजन को ड्राई करना है तो आप पास करते हैं इसको ड्राइंग एजेंट से, लेट्स से द फेमस वेरी फेमस इट्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द ड्राइंग एजेंट. ये डिलीवरी ट्यूब और ये डिलीवरी ट्यूब और ये आगे गैस सिरिंज. अभी स्टार्ट में आई विल मेक दीज प्रेजेंस फॉर यू अनलेस आई टीच यू द होल चैप्टर्स, फिर जाके आप ये बना पाएंगे. अभी पहले आपने मुझे ऑब्जर्व करने कि मैं कैसे सोच रहा हूं. अब जब यहां पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी तो दिस विल प्योर ड्राई सैंपल ऑफ ऑक्सीजन. बड़ा अटेंटिव रहेगा यहां पे जो मैंने एक बात करनी है फर्दर. सो बेसिकली आपने कैल्शियम नाइट्रेट डीकम्पोज किया, सो यहां पे कैल्शियम नाइट्रेट डीकम्पोज हुआ, आपने उसकी हीटिंग स्टार्ट की, राइट, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा और जो NO2 और O2 है वो ऊपर डिलीवरी ट्यूब में जाएंगे. आपने यहां से NO2 को रिमूव करना है तो आपने इसको वाटर में से पास किया, वाटर NO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां से O2 रिलीज हो जाएगी, लेकिन ये O2 मॉइस्ट होगी,
राइट, फिर आप इसको पास करेंगे ड्राइंग एजेंट में से, ये इसके वाटर में इसको अब्सॉर्ब करेगा और ड्राई ऑक्सीजन विल बी कलेक्टेड इन द गैस सिरिंज. बड़ा अटेंटिव रहेगा यहां पे प्लीज, ठीक है, क्योंकि वॉट एवर यू नो आई विल टीच यू लेटर, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा स्टार्ट में देता हूं ताकि आपको ब्रेन में आइडिया हो कि ये बातें हम आपसे एग्जाम में पूछेंगे. पहले बना लें क्विकली प्लीज, और इसके बाद जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो प्लीज मेक श्योर दैट आई मीन एनीवन कैन आंसर वन एट अ टाइम. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट माय वर्ड. सो कैल्शियम नाइट्रेट डीकम्पोज हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, फिर आपने वाटर से NO2 गैस रिमूव की, ऑक्सीजन मॉइस्ट हो गई, आपने उसको पास किया ड्राइंग एजेंट से और आपने ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर ली. ठीक, अच्छा ये बात मैं अब जो मैं सवाल करने लगा हूं, आई एम जस्ट अस्यूमिंग आपको कुछ आपने मोल्स पढ़ा होगा. आई एम जस्ट अस्यूमिंग द फैक्ट कि आपने कुछ मोल्स पढ़ा होगा, मैंने भी आगे मोल्स पढ़ाने, आपने कुछ मोल्स पढ़ा होगा अंटिल O3. चले, लिसन प्लीज वेरी केयरफुली, यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन. सपोज करें कि मुझे इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस भी निकालने, मुझे मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी निकालने और मुझे मोल्स ऑफ NO2 गैस भी निकालनी है. Anyone can answer my question. How will I find out moles of oxygen gas, by the way? Anyone can answer the question. How can I find out the moles of oxygen gas? Sir, moles is equal to the grams that we have divided by the molar mass of oxygen. Lekin, nahin. Mass over molar mass? Volume. Volume jo aega humare paas pure sample ka, usko hum karenge usse kya naam hai. उससे मोल्स आ जाएंगे, फिर हम MR से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा. हाँ फाइन, ये ठीक है, क्योंकि साउन वाज सेइंग दैट कि इसका मास को आप MR से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास मास तो आया ना, आपके पास तो वॉल्यूम आया है, तो टेक्निकली अगर आपने मोल्स निकाला तो आप आई थिंक ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V = N into molar gas volume. तो अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस आ गई है इस सिरिंज के अंदर, वॉल्यूम आ गया है, इसको डिवाइड करें 24 dm³ से, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे निकलेंगे? वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर गैस वॉल्यूम. ठीक हो गया सर. ये आपने सेकंड कॉनिकल फ्लास्क के नीचे क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर H2SO4. नो, इट्स एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड, CONC, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, अब मुझे बताएं गाइस, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालने हैं, बड़ा सोच के आंसर करना है. ठीक, नॉन टू अननोन रेशियो हमारे पास हाफ है तो उससे आ जाएगी CO. अच्छा, अरे फाइन, इट्स मतलब कि आपने कहा कि मोल रेशियो अप्लाई कर दें. सपोज करने मोल रेशियो नहीं, हमने एक्सपेरिमेंटली निकालने हैं मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड, वो तो आप रेशियो अप्लाई कर देंगे, आप बिल्कुल निकाल लेंगे. और एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. एक्सपेरिमेंटली मुझे निकालने, एक्सपेरिमेंटली वो कैसे निकालें? सर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज लेफ्ट लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब, उसे वे करके फिर उसका भी निकाल सकते हैं. ठीक है, एक ने कहा मास वन MR, एक ने कहा कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट, लेकिन मुझे आप बताएं कि मास ऑफ जो कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट वो कैसे निकालेंगे आप? सर, वे सर द टेस्ट ट्यूब विल ओनली हैव कैल्शियम ऑक्साइड बिकॉज़ द गैस हैज एस्केप्ड.
ठीक है, आई एग्री, लेकिन मुझे बताओ कि वो मतलब कि जो आप टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम ऑक्साइड पड़ी है, अग्रीड, लेकिन लेकिन जो कैल्शियम आप जब उसको वे करोगे तो वो तो मास आएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस टेस्ट ट्यूब का। सर 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 टेस्ट ट्यूब को सेपरेटली भी करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। हाँ ये बातें याद रखिएगा प्लीज, हमने ये बातें सारी पूछनी आपसे आगे जाके, मैं इसलिए इस वाले चैप्टर के स्टार्ट में आपसे ये बातें कर रहा हूं, राइट। आप पता क्या करेंगे, आप बेसिकली सबसे पहले एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का मास नोट करेंगे। सबसे पहले आप बेसिकली, अगर मैं यहां पे लिखूं तो सबसे पहले आप नोट करेंगे एम्प्टी बॉलिंग ट्यूब का मास इन ग्राम्स, फिर रिएक्शन खत्म होने के बाद फिर मास, फिर आप मास नोट करेंगे ऑफ बॉलिंग ट्यूब प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रेजिड्यू है। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। अब ये जो मास आएगा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का, मैंने कहा था मोल्स निकालने हैं, तो अब आप करेंगे मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एमआर, तो आप इसके मोल्स निकाल लेंगे। Do I make sense, everyone? मैं इसलिए ये चैप्टर के स्टार्ट में I always discuss these things, क्योंकि मैंने ये सारी केमिस्ट्री पढ़ाना है आपको और ये बातें बुक्स में कहीं नहीं लिखी होती, इट्स ओनली अ टीचर विच कैन एक्सप्लेन यू। तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर आपने मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालने हैं तो आप पहले मास ऑफ एम्प्टी बॉलिंग ट्यूब ले, ठीक है। रिएक्शन खत्म होने के बाद अंदर खाली कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा होगा क्योंकि गैस तो एस्केप कर गई, फिर उसको रीवे कर लें और रीवे करने के बाद आप फिर उसको माइनस करें तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा आपके पास। चले अगेन वन मोर क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू नाउ, आई एम गोइंग बैक, राइट। मुझे बताएं आपको ये कैसे पता चला कि सारा कैल्शियम नाइट्रेट डीकंपोज हो गया? हाउ वुड यू कम टू नो दैट ऑल कैल्शियम नाइट्रेट हैज बीन डीकंपोज्ड? जी sir, we will stop seeing bubbles in the H2O so forth. Brilliant, right? So basically aapko yahan pe observe honge bubbles oxygen gas ke jo nikal rahe honge. Jab yahan se bubbles observe hona band ho jayenge yahan se, to iska matlab hai sara calcium nitrate has been decomposed. Sir, agar hum ye kehte hain ki O2 ki volume increase karna khatam ho jayegi, wo bhi theek hai, absolutely, ki yahan se agar aap keh denge syringe stops moving, यानी कि ये जो इसका प्लंजर है अगर ये मूव करना बंद कर देगा तो इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ब्रिलियंट सर, रिपीट कर सकते हैं क्या कहा है? यस, माय क्वेश्चन वाज हाउ वुड यू इंश्योर दैट ऑल कैल्शियम नाइट्रेट हैज बीन डीकंपोज्ड? तो वन पॉसिबल आंसर कैन बी कि यहां पे ये जो आपके ऑब्जर्व होंगे बबल्स ऑब्जर्व होंगे वाटर में, ये ऑब्जर्व होना बंद हो जाएंगे, राइट? आई मीन यू स्कोर द मार्क। समवन सेज दैट ड्राइंग एजेंट नहीं है। हाँ, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बबल्स दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे बबल्स, यहाँ बबल्स दिखेंगे आपको ऑक्सीजन गैस के। सर यहाँ पे तो सिर्फ मॉइस्ट ऑक्सीजन आ रही है। हाँ ना, तो अगर ऑक्सीजन ऊपर कलेक्ट हो रही है तो मतलब यहाँ पे बबल्स दिखेंगे ना आपको कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर की तरह ही होता है, इट्स क्लियर लिक्विड, इट्स अ कलरलेस लिक्विड, तो यू विल सी बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये भी आंसर ठीक है। अगर कोई ये कहता है प्लंजर ऑफ दिस गैस रेंज विल स्टॉप मूविंग, ये भी ठीक है, अगर वॉल्यूम फिक्स हो गया गैस रेंज के ऊपर तो ये भी ठीक है। जी मनान, यू हैव अ क्वेश्चन? सर दिस विल बी ट्रू फॉर सबके लिए ही होगा? यस यस यस। नाउ हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस निकाल लिए, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकाल लिया, अब मुझे बताएं मोल्स ऑफ NO2 कैसे निकलेंगे? हाउ विल कैलकुलेट मोल्स ऑफ NO2? नहीं, तो आप पानी में अब्सॉर्ब कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ही आपने मोल्स निकालने हैं। जो बाद में जो नियम है ऐसे उसको नहीं क्या था फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। हां ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो बेसिकली आप करेंगे क्या, आप लेंगे मास ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर
mass of flask and water before the experiment. फिर आप लेंगे mass of flask and mixture after the experiment. क्योंकि जब आपने NO2 गैस पास की वाटर में तो जारी बात है वाटर का मास बड़ा होगा क्योंकि उसमें NO2 गैस भी आ गई है और फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो मास ऑफ NO2 आ जाएगा. अब आपके पास मास आ गया NO2 का, ठीक है, तो आपने मोल्स निकालने हैं तो मोल्स इक्वल्स टू मास और मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे. जी ताहा, यू हैव अ क्वेश्चन सर? एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड को क्या होगा सर? नहीं, वो ऐसे ही देगा, वो अब ऐसे ही देगा बॉलिंग ट्यूब में, क्योंकि कैल्शियम बन गया ना, इट्स अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इट वोंट फर्दर डीकंपोज, इट विल स्टे इन द बॉलिंग ट्यूब. सर वो मॉइस्ट कैसे होती है चीज, अगर वो है ही नहीं बिल्कुल भी, उससे इनसॉल्युबल है तो फिर से इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए. नहीं होता, पता क्या होता, ये है कि सिंस आप हीटिंग कर रहे हैं ना तो जो गैस निकलती है वो हीटेड गैस होती है. अब हीटेड गैस अगर आपने पानी में से गुजारी है तो कुछ वाटर वेपर भी बनते हैं, और वैसे भी अगर हीटेड गैस ना भी हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर वैसे भी गैस अगर वाटर के ऊपर से निकल रही हो तो वो साथ में वाटर वेपर लेके निकलती है हमेशा, क्योंकि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेंपरेचर्स. ये हम कौन से फ्लास्क को वे करेंगे? ये इस फ्लास्क को वे, क्योंकि यहां पे NO2 अब्सॉर्ब हो रही है, NO2 यहां पे अब्सॉर्ब हुई है, तो ये फ्लास्क और वाटर का मास नोट करेंगे इनिशियल, फिर रिएक्शन के बाद आप नोट करेंगे फाइनल मास और इनका मास डिफरेंस होगा मास ऑफ NO2. सर आपने फर्स्ट वाला जो था मोल्स ऑफ O2 वाला जो था आपने उसका लिखा था V/24, yes. वो सर समझ नहीं लगी सर, वो क्या था? वो मेरा बच्चा असल में इस तरह होता है कि मोल्स जो चैप्टर आएगा ना आगे, मोल्स चैप्टर जो आगे आएगा, वहां पे आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस इनटू मोलर गैस वॉल्यूम. ये फॉर्मूला होता है क्योंकि एक मोल of any gas occupies 24 dm की volume. अब अगर आपके पास volume collect हो गया gas syringe में और आपने उसके moles निकालने हैं तो आप volume यहाँ put करेंगे, ठीक है, moles in 24, तो आप इसको divide करेंगे volume को, तो आपके पास moles आ जाएंगे उस gas के. Sir? जी बच्चा. ये आप दोबारा समझा देंगे, ये जो आपने mass of flask water वाला जो किया, ये जो right side पे आपने किया. Okay, I'll go through it again. So basically, my question was कि आपने moles of NO2 gas निकालने हैं. अब moles of NO2 gas कैसे निकालेंगे हम? ठीक है. तो इस चीज को observe करने के लिए ये देखिएगा. I'll show you the apparatus now. अब होगा क्या? होगा ये. आप करेंगे पहले क्या? आप ये फ्लास्क और वाटर, आप पहले इसका मास नोट कर लेंगे, फ्लास्क एंड वाटर, इसका आपने मास नोट कर लिया, फिर आपने फ्लास्क यहां पे इंस्टॉल कर दी, ठीक. इसके बाद आपने यहां पे कैल्शियम नाइट्रेट को डीकंपोज करना शुरू कर दिया. अब क्या होगा, यहां से NO2 गैस बाहर आ रही है, O2 गैस बाहर आ रही है, ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाएगी लेकिन जो NO2 गैस है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा. अब NO2 गैस पानी में एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या करेंगे आप फिर इस सारी फ्लास्क वाटर और NO2 इसको रीवे कर लेंगे, तो इन दोनों का मास डिफरेंस विल बी मास ऑफ NO2, इज दैट सो? क्योंकि आपके पास पहले था फ्लास्क और वाटर, अब आपके पास फ्लास्क वाटर एंड NO2, इन दोनों का डिफरेंस विल बी मास ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड. तो अगर आपके पास मास आ गया NO2 का, आप उसको उसके MR से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे NO2 के. डू आई मेक सेंस? उसके साथ निकाल सकते हैं, जितना यूज अप हुआ है उसकी रेशियो.
नहीं 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 ड्राइंग एजेंट से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए जी मेरा अगला सवाल, गेट रेडी एवरीवन प्लीज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट टू सेफ्टी प्रिकॉशंस इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी अली। After we calculate the mass of the flask and the mixture, what will we do next? Mm. Will we minus the any mass from there? Yes, yes. Yes. Let's say, for example, ye, agar mass of flask plus water before the experiment agar ye x grams hai, aur mass of flask plus mixture after the experiment agar ye y gram hai, to agar ye y gram hai, let's say, to ye kya hoga? Y minus x. तो आपके पास मास आ गया, उसको एमआर से डिवाइड करें तो मोल आ जाएंगे। एंड सर व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस मैंने बताया भी आपको कि ऑक्सीजन गैस तो आपका इसका यहाँ पे इसका वॉल्यूम कलेक्टिव है ना ऑक्सीजन गैस का, यहाँ पे वॉल्यूम कलेक्टिव ऑक्सीजन गैस का, तो आप इस वॉल्यूम को 24 से डिवाइड करेंगे जो मोलर गैस वॉल्यूम से, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके ठीक है डिवाइड कर दो तो आपको मोल आ जाएंगे। ऑक्सीजन गैस के मोल निकालना तो बहुत आसान है ना, आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है उसको मोलर गैस वॉल्यूम से डिवाइड करें तो आपके पास मोल्स आ गए। असल टेक्निकल चीज थी मोल्स ऑफ NO2 और मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना, वो पता होना चाहिए प्रोसीजर। सर आई हैव अ क्वेश्चन, जब व्हेन द रिएक्शन एंड्स देयर विल स्टिल बी सम ऑक्सीजन लेफ्ट इन द सेकंड कॉन्कोल फ्लास्क एंड द ट्यूब दैट इज दैट कम्स आफ्टर द गैस सिरिंज। सो नहीं वी विल नहीं अब्दुल्ला इसके ऊपर ना वी विल एक्चुअली इंश्योर, बल्कि वी अस्यूम, फिर हम असम्पशन ले लेते हैं कि सारी गैस कलेक्ट हो गई है। ओके बेसिकली H2O गोइंग इन द सेकंड फ्लास्क और व्हाट, बिकॉज़ मॉइस्ट वाटर है उसके अंदर तो वो H2O बन गया। नहीं ये आप कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं? नहीं सर, व्हाट इज मॉइस्ट ऑक्सीजन ये पूछ रहा हूं। अच्छा मॉइस्ट ऑक्सीजन ये है बेसिकली, देखो जब ये NO2 और O2 जब आप इसको वाटर में से पास करेंगे और जब यहां से ऑक्सीजन गैस जाएगी तो साथ में उसके वाटर वेपर भी जाते हैं साथ में, क्योंकि आपने उसको वाटर के ऊपर से गुजारा ना। जब भी किसी भी गैस को वाटर के ऊपर से गुजारेंगे हमेशा वो गैस मॉइस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ वाटर पर ट्रैवल करेंगे हमेशा, आपने उनको भी रिमूव करना होता है, इसलिए हमने उसको बाद में ड्राइंग एजेंट से पास किया है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को और फिर ऑक्सीजन गैस ड्राई यहां पर कलेक्ट हो जाएगी इन द गैस रेंज। जिसको आप डीकम्पोज कर रहे थे और फिर आपको इतना पता अब तो आइडिया हो गया कि जब आपने इसको डीकम्पोज किया तो आपके पास एंड में कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा होगा इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में ठीक है, लेकिन अब आपने इसका मास निकालना है तो आप करेंगे क्या, इस रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले आप पहले एम्प्टी बॉलिंग ट्यूब का मास लेंगे, एम्प्टी बॉलिंग ट्यूब का मास ठीक है, यानी कि पता होना चाहिए कि बॉलिंग ट्यूब कितने मास की यूज कर रहे हैं, फिर आपने उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डाला, आपने उसको कंप्लीटली डीकंपोज कर दिया, अब आखिर में क्या पड़ा होगा, अंदर कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा होगा, तो अब जो आप फाइनल मास वे करेंगे वो मास ऑफ बॉलिंग ट्यूब प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होगा ठीक है। अगर इसका मास लेट्स से ए है, इसका बी है, तो फिर इसका मास क्या होगा, बी माइनस ए। सर ऐसे सवाल जो होते हैं एटी में पहले के सेटअप नहीं हुए होते हैं, हमें सिर्फ माइनस ही करना होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट देन इफ वी आस्क यू अ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट फिर आपको बताना पड़ेगा, लाइक रिसेंटली वी सॉ अ क्वेश्चन लाइक दिस इन द पेपर इन बोथ ओ लेवल एंड IGCSE, मैं करवाऊंगा भी सवाल आपको और बड़ा उसने आपको बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, यानी कि अगर किसी को वाकई अगर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आता होगा उसे वही कर पाएगा। अच्छा मेरा यहाँ पे सवाल अभी रह गया जो अभी आपने बताया नहीं मुझे, एवरीवन मुझे बताएं ये एक्सपेरिमेंट करते हुए ये दो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी आपको, वो कौन सी प्रिकॉशंस होगी, आई मीन टू प्रिकॉशंस, गॉगल्स
thermal proof gloves and the other one would be make sure there are no naked flames. अच्छा फाइन, ये आपने ठीक है. जो लोग कह रहे हैं गॉगल्स, आई थिंक यहाँ पे गॉगल्स पहनने का फायदा कोई नहीं है पहली बात. लैब कोट चले फाइन इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे असल में हीट प्रूफ ग्लव्स चाहिए आपको, क्योंकि आप यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं तो ये अपरेटस जो है ये हॉट हो जाएगा, राइट, विच विल नॉट बी राइट, इट मे कॉज स्किन बर्न, राइट. सो बेसिकली गाइस द फर्स्ट प्रिकॉशन इज वेयर हीट प्रूफ ग्लव्स. Second precaution. ये लिख सकते हैं avoid skin and eye contact with all chemicals. लेकिन यहाँ पे कोई इतना खास केमिकल यूज नहीं हो रहा है मेरा बच्चा. लेकिन हाँ, जहां पे हम यूज करेंगे एसिड्स और बेसिस तो वहां पे हमें लैब कोट्स पहनने पड़ेंगे टू अवॉइड एनी स्किन कॉन्टेक्ट. लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेम सल्फ्यूरिक एसिड है तो सही, तो इट्स नॉट डेंजरस. I actually agree with you, लेकिन since you can say वो एक तो वो enclosed है, अगर आप lab coat लिख भी देंगे it is not bad, right? But it's not good answer as well. जहां पे acid base के बकायदा reactions हो रहे होंगे ना, वहां पे we really expect that कि आप ये लिखें. If you write it, we won't consider it incorrect, but then इससे ज्यादा बेहतर precautions हो सकती हैं. Just now, wear heat-proof gloves. ठीक है, एक और हो सकता है यहाँ पे एंड टू गैस निकल गई. जी 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 जी, डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेम. नहीं नहीं नहीं, आपने आपने फ्लेम तो देना ही देना, क्योंकि अगर फ्लेम नहीं देंगे तो डीकंपोज नहीं करेगा. जिसे मैं कह रहा हूँ इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेम. अच्छा अच्छा, मैं समझ गया. या यहाँ पे एक और काम होता है कि जो एंड टू गैस है ना, ये पॉइजनस होती है, राइट. तो जहां पे भी आपके पॉइजनस गैस निकल रही हो वहां पे एक्सपेरिमेंट जो है वो फ्यूम हुड के अंदर किया जाता है. तो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन अ फ्यूम कबर्ड. सर मास्क भी पहन सकते हैं. हाँ मास्क पहन सकते हैं, यस, वेयर फेस मास्क एज़ वेल. और एक और चीज मैंने ये पूछना था कि ये जो H2SO4 है ये ऑक्सीजन को क्यों एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ वाटर को क्यों करता है? बेसिकली ऑक्सीजन एक न्यूट्रल गैस है, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ऑलराइट, नाउ ये तो दो हो गए सेफ्टी प्रिकॉशंस जो कि पता नहीं चाहिए, हम आपसे पूछेंगे पेपर में गाइस प्लीज. अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का देयर इज अ पोटेंशियल हैजर्ड. There is a potential hazard of this experiment. So listen my words, please carefully. There is a potential hazard in this experiment. So, वो आपका potential hazard है क्या? मेरी बात जरा please बहुत गौर से लेगा, please, ठीक है? Please बहुत गौर से बात सुनिएगा. I don't know कि आप लोग physics कितना रियलिटी या रियल टाइम फिजिक्स पढ़ते हैं, आई डोंट नो, लेकिन यहां पता है क्या एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, और वो मसला ये है, प्लीज सुनेगा. यहां पे आप मिक्सर को, यहां पे आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, आपने डायरेक्ट फ्लेम दिया हुआ है, यहां पे हीटिंग हो रही है और यहां से गैसेस बाहर जा रही है, फिर ड्राई हो रही है, कलेक्ट हो रही है, आप कलेक्ट कर रहे हैं. अगर आपने सोचा कि एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है, जो क्या सोचेंगे एक वक्त में, और आपने यहां से हीटिंग रिमूव कर दी विदाउट ऑपरेटर्स को आप डिस्कनेक्ट किए हुए, तो पता क्या होगा, यहां से वाटर विल रिटर्न बैक इनटू द बॉइलिंग ट्यूब. देयर इज अ पोटेंशियल सक बैक ऑफ वाटर. ये नॉर्मली स्टूडेंट्स साथ लैब में भी होता है, इसलिए मैं कहता हूं लैब जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने यहां पर हीटिंग रोक दी, सपोज करें आपने सोचा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया और आपने हीटिंग रोक दी, तो पता क्या होगा, यहां से वाटर विल मूव बैक, और जब वाटर यहां पे आएगा वापस, तो यहां पे ऑपरेटर्स गर्म है और वाटर ठंडा आ रहा है, तो ये ऑपरेटर्स बर्स्ट भी कर सकता है. दिस इज द पोटेंशियल हैजर्ड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट.
इसलिए जब आप हीटिंग रिमूव करना चाहते हैं ना, तो हीटिंग जब आपको ये समझ आ गई कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, तो हीटिंग रिमूव करने से पहले प्लीज यू हैव टू डिस्कनेक्ट द अपैरेटस. तो व्हाट इज द पोटेंशियल हैजर्ड? तो इसका पोटेंशियल हैजर्ड क्या है बेसिकली? तो पोटेंशियल हैजर्ड इज देयर इज अ पोटेंशियल सक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो देयर इज अ पोटेंशियल सक बैक ऑफ वॉटर is possible. Sir, is it due to the change in pressure? Yes, it is due to change in pressure. As the temperature reduces, the pressure of the body decreases. Yes, absolutely. So, ye potential hazard hai is experiment ka. I hope I make sense. Train करने का तो नहीं कहेगा कि क्यों होता है. एक्सपेरिमेंट वो इसी चैप्टर में आएगा. क्योंकि रिसेंटली अभी उसका 9 मार्क का क्वेश्चन भी आया है. हाँ यस यस बिल्कुल आया है. शुड आई मूव ऑन एवरीवन? सो गाइस दिस वाज एक्चुअली अ फ्लेवर व्हिच आई वांटेड टू गिव यू अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. कि हमने आपसे ऐसी बातें करनी हैं, ठीक है? वो अलग बात है, आगे और चैप्टर्स आएंगे, हम और एक्सप्लोर करेंगे. तो मैंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हर दफा आपको करवाते रहना है जब तक आपके पूरे ब्रेन में ये बातें नहीं बैठ जाएंगी. ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स. प्लीज गेट रेडी. मोमेंट में जरा सवाल निकाल. सो द क्वेश्चन इज नवंबर 19, इट्स कंपोनेंट 2-2. Just a moment. It's November 19, component 2-2. मैं तो पेपर निकाल लूँ. Just give me a moment. Just a moment, guys. Okay. So guys, I hope you all can see the paper. It's an O-level paper, but then same question is what we ask in IGCSE as well. वैसे असल में ये सवाल IGCSE का है और आया O-level के पेपर में. It's November 19. It's component 2-2. And it is question number 3. Chalo ji, everyone should start doing it. Everyone.
ये डायग्राम बनाना है जी, बनाना है बनाना है। Excuse me, sir. जी बच्चा। So the last time we did this, I didn't draw that diagram. मतलब कि बहुत simple diagram बनाना है। अभी I'll show that how to make it. I'm just making an easy one. Yeah. Fractionator funnel वाला ही था ना, मुझे petroleum से। हाँ हाँ हाँ, वो था fractionating column वाला। यूजर्स लिखने नो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस। In your answer, include a description of fractional distillation in an oil refinery. You may draw a label diagram. Sir, isn't this question related to organic chemistry a little bit? It is somewhat, but then since when we teach you fractional distillation, we do teach you fractionation of crude oil, isn't it? Lekin the jo actual concept toh isi chapter ka hai. क्योंकि यहाँ पे आपने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करना है एंड नॉट द ऑर्गेनिक, इज़न्ट इट? यस सर। फिर लेकिन इसमें तो डिफरेंट फ्रैक्शंस आएंगी ना, जैसे वो केरोसिन वगैरह और बिटुमेन पड़ेगा। यप सर, आपको सारी फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस। यस सर, इन दिस आंसर वी वोंट राइट डाउन द डिफरेंट फ्रैक्शंस, राइट? नो नो नो। Gee guys, should I go on now? So basically, very simple. You have to make this, like this. तो आप ये सिंपल लिख सकते हैं बेसिकली कि यहां पे आए, तो वी कैन से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शंस इंक्रीजेस। लिखने की जरूरत नहीं है फ्रैक्शंस, उसने पूछी नहीं आपसे, इतना आपको पता है कि सबसे टॉप से मीथेन गैस निकलती है, सबसे नीचे से बिटुमेन निकलता है, मैंने उसने बताया था।
ठीक है, I mean this can be the as simple as you can. अब यहाँ पे आपने बताना ये है कि fractional distillation होती कैसे है ना, I mean हो कैसे रही है. तो अब जाहिर सी बात है कि sample पहले vaporize होता है, isn't it? Let me explain the process to you. जो मैंने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर भी in words. ठीक है, sample पहले vaporize होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वेपर एस्केप करता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट वेपर कंडेंस करता है, isn't it? So basically, all fractional distillation depend karti hai kis pe? It depends on the difference in boiling points. So we'll start off saying that ke fractional distillation, right? Ke fractional distillation depends on difference in boiling points. Right, so petroleum is heated and it is vaporized. Larger hydrocarbons have high boiling point. And they are obtained from the bottom. ये पेट्रोलियम की जगह क्रूड ऑयल लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. और भी डिफरेंट फ्रैक्शंस कम ऑफ different levels. ये क्वेश्चन तो इजी था. हाँ एग्जैक्टली, ऑफ द कॉलम बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स. असल में सारी बातें वही हैं जो हमने आपको पढ़ाई होती है लेक्चर्स में. बट इसलिए मैं कहता हूं बेसिकली लर्निंग एक आर्ट है और फिर पेपर अटेम्प्ट करना एक सेपरेट आर्ट है. बोथ आर्ट्स यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर इज वेल, आई मीन हाउ टू एग्जीक्यूट नॉलेज. क्योंकि हायर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे. नहीं नहीं याद रखिए, यहां से निकलता है बिटुमिन और यहां से निकलती है वो नेचुरल गैस. सर आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एट अ डिफरेंट लेवल द कॉलम ऑफ द कॉलम बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स. जो प्रोपेन भी होती है ना गैस जो. यस यप. और अगर फ्रैक्शंस लिख देते और इधर कोई डेफिनेशन या इस राइटिंग में कोई मार्क्स कट जाता तो फिर उधर से कंपनसेट हो सकता है. यस हो सकता है कंपनसेट. इसलिए इट्स बेटर अगर वो भी कहते ना कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम तो जरूर बना लें. एक फ्रैक्शन यहां लिख दें बिटुमिन, एक फ्रैक्शन यहां लिख दें और ये स्टेट कर दें तो मार्क्स कैन बी कंपनसेटेड. लेकिन क्वेश्चन में लेबल डायग्राम ही तो लिखा हुआ है. हाँ नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आई मीन यू मे ड्रॉ अ लेबल डायग्राम. लेट्स से आपने ये वाली डायग्राम बना ली और सपोज करें यहाँ पे आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ से कॉम्पेंसेट कर देंगे और हम आपको 3 मार्क्स दे सकते हैं. हाँ अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाई क्योंकि उसने कहा ना यू मे ड्रॉ, अगर किसी ने डायग्राम नहीं बनाई लेट्स से तो फिर आपको यहाँ पे मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं. इफ यू लूज अ पॉइंट तो यू लूज द मार्क. तो जहां पे वो डायग्राम अगर ये कह दे बना दें तो प्लीज बना दिया करें. समटाइम्स व्हाइल राइटिंग द आंसर यू मे लूज अ पॉइंट. जी प्लीज सर इसको लेबल भी करेंगे कि टॉप से नेचुरल गैस निकलती है और नीचे से बिटुमेन निकलता है.
हाँ यस ये जरूर लिखें, एक नेचुरल गैस लिखते हैं और बिटर लिखते हैं और जो बाकी फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर ये मेंशन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शंस इंक्रीज कर डाउन दिस कॉलम। हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे कैसे कलेक्ट हो रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि याद रखें जो हाई अगर बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड है वो बेसिकली बहुत ज्यादा डेंस है। हाँ एग्जैक्टली उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इट्स अ लार्ज हाइड्रोकार्बन, तो वो सेटल डाउन करेगा, और स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट वाला वो लेस डेंस है, इट विल टेंड टू राइज। जी गाइस एनी क्वेश्चंस फर्दर? सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स चैप्टर राइट, एंड आई वांटेड टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दैट हाउ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज डन। एक आप मेरा सवाल एक और करेंगे कल करेंगे राइट, दैट विल बी लिंक्ड टू वन मोर एक्सपेरिमेंट टेक्निक, ठीक है वो भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, एंड वील स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो, आई विल गिव यू वर्कशीट एज वेल टुमारो फॉर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, आप वर्कशीट भी करेंगे एक बार एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कल ही हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम। ऑलराइट सर एक मिनट लिखना ना, सॉरी मैं क्या था सर वो कुछ लिखा दिया वो लिखा था। ओके ओके अच्छा हियर यू गो, एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चा सर इसमें हम कंडेंसेशन का लिखेंगे, जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन इफ यू वांट टू राइट कंडेंसेशन तो आप उसे कैसे लिखेंगे कंडेंसेशन को? Okay, after the fractions are vaporized, they are then condensed. So, हाँ आप वो statement लिख दें, लेकिन it won't carry a mark. Why? Because जो उसकी separation है, वो तो based है difference in boiling points पे. तो हम उसकी separation को explain कर दें, क्योंकि condensed तो हर fraction नहीं होना। Okay, sir. Thank you. No problem. All right. So guys, thank you very much. Please take care. Keep smiling. Keep shining. This was happy learning. See you all tomorrow.